हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर और आज हम लोग हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर की 4.3 जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिकलोनलाइजेशन और इंडिपेंडेंस के बारे में। किस तरह से कलोनीज को यहाँ से इरेडिकेट करा गया, किस तरह से नेशंस जो थे उनने इंडिपेंडेंस गेन करी। ठीक है, तो आप लोग को पता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ उसके बाद वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स जो थे वो किसके कंट्रोल में थे, यूरोपियन कॉलोनियल गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे। जैसे अगर हम लोग बात करें अपने नेशन की, इंडिया की, तो इंडिया भी ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी बन चुका था। और नेक्स्ट 2 डिकेड्स से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के उसमें देखा गया मोस्टली ये जो यूरोपियन नेशंस थी उन्होंने कॉलोनीज कहाँ पर लगाई थी, एशिया में और अफ्रीका में। अब वो क्या चाह रहे थे कि हम लोगों को इंडिपेंडेंट होना है, खुद को फ्री करवाना है, इस कॉलोनियल गवर्नमेंट के चंगुल से बाहर निकलना है। तो ये देखा गया उस टाइम पर, क्योंकि पॉवर्टी जो थी वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही थी, रिसोर्सेज कम हो रहे थे, इकोनॉमीज़ जो थी वो और सोसाइटीज़ जो थी टोटली हैंडीकैप्ड हो चुकी थी, क्योंकि कॉलोनियल रूल ने उनकी मतलब उनके कुछ पार्ट्स जो थे उनको टोटली ऐसे डैमेज कर दिया था, जिससे कि वो खुद से स्टैंड भी नहीं ले पा रहे थे। अब इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड जो था और साथ में वर्ल्ड बैंक जो था उसने कुछ ऐसी मतलब टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया, कुछ ऐसे सिस्टम्स को अपनाया जिससे कि वो फाइनेंशियल नीड्स जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं उनकी नीड्स को फुलफ़िल कर सके, मतलब उनकी नीड्स को पूरा कर सके। लेकिन ये चैलेंज पॉवर्टी जो एक चैलेंज चल रहा था उस टाइम पर, तो उसको इरेडिकेट करना इतना इजी नहीं था, क्योंकि डेवलपमेंट की कमी थी, क्योंकि बहुत सारी नेशंस जो थे वो अब कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंडर थे, और उनको इतनी इजीली निकालना, यहाँ से कॉलोनीज़ को हटाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन यूरोपियन नेशंस और जापान जो थे वो बहुत तेज़ी से उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया, उनकी इकोनॉमी जो थी वो रीबिल्ड होना शुरू हो गई। और उन्होंने देखा कि हम लोगों ने क्या कर दिया है, हम लोगों ने दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्योंकि उनकी इकोनॉमीज इतनी स्टेबल हो चुकी थी कि अगर वो बिना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के भी काम करे तो वो कर सकते थे, वर्ल्ड बैंक की हेल्प लेना भी उनके लिए इतना ज़रूरी नहीं रहा था। और लेट 1950s में देखा गया, ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन जो था उसने कहा कि अब मुझे क्या करना होगा, मुझे अब ये जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनकी तरफ अपना फोकस नहीं रखना, मुझे डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ अपना अटेंशन जो है वो टर्न करना होगा, ताकि डेवलपिंग नेशंस की मैं हेल्प कर सकूं और वो खुद को कॉलोनियल गवर्नमेंट के चंगुल से बाहर निकाल के खुद को एक डेवलप्ड नेशन में कन्वर्ट कर सकें। अगर हम लोग कॉलोनीज़ की बात करें तो बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड रीजन्स थे वर्ल्ड के, बहुत ही कम डेवलप्ड रीजन्स थे इस वर्ल्ड के जिन पर वेस्टर्न एम्पायर्स ने कंट्रोल किया हुआ, मतलब कंट्रोल नहीं किया हुआ था। तो अभी कुछ ऐसे कुछ ही फ्यू ही मतलब न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी जिनको किस चीज़ की ज़रूरत थी, उनको ज़रूरत थी कि पॉवर्टी को यहाँ से बाहर निकाला जाए, उनको प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोवाइड करी जाए इंटरनेशनल एजेंसीज के द्वारा जो कि कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा डोमिनेटेड है, मतलब जैसे यूएस के द्वारा जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस चलाई जाती हैं वो डायरेक्शंस प्रोवाइड करें। लाइक अगर इंडिया है तो इंडिया को डायरेक्शंस प्रोवाइड करें, उनको ये बताए कि किस तरह से अपने आप को एक बेटर इकोनॉमिक सेक्टर को इस्टेब्लिश करना है। तो कुछ सालों के बाद देखा गया डिकॉलोनाइजेशन जो थी उसको किया गया, स्टार्ट किया गया, मतलब कॉलोनीज़ को इरेडिकेट करना शुरू करा गया। जितनी भी पहले कॉलोनियल पावर्स थी उनके रिसोर्सेज को, जैसे मिनरल्स हो गए और भी बहुत सारे रिसोर्सेज लाइक लैंड हो गए, ठीक है, उनको कौन कंट्रोल कर रहा था, कॉलोनीज़ कंट्रोल कर रही थी, मतलब ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे थे। अब उनका कंट्रोल किसी और के हाथ में देना ज़रूरी था, क्योंकि नेशंस को अपने हाथ में रहना ज़रूरी था। बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेशंस थी उनको, जो पावरफुल कंट्री से बिलोंग करती थी जैसे यूएस हो गया, तो उनको उनके पास राइट्स थे कि वो क्या कर सकते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक्सप्लोइट कर सकते हैं, मतलब उनके रिसोर्सेज को वो यूज़ कर सकते हैं बहुत ही कम दाम में।
उसी टाइम पर देखा गया बहुत ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ थी जिनको इनसे बेनिफिट मिल रहा था, ताकि वो जल्दी से जल्दी क्या कर सके, ग्रो हो सके। वेस्टर्न इकोनॉमीज़ जो थी उनको एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था उस टाइम पर 1950s और 1960s के बीच में, उनको ये पता चल चुका था कि हम लोगों को क्या करना है, किस तरह से बेनिफिट जो है वो लेना है, क्योंकि आप डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं उनसे उनको बेनिफिट जो था वो इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा था, क्योंकि वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो थे उनको डायरेक्शंस प्रोवाइड कर रहे थे। और उस टाइम पर देखा गया उनने खुद के ग्रुप्स फॉर्म करना शुरू कर दिए जिनको बेनिफिट नहीं मिल रहा था, लाइक ग्रुप ऑफ 77, मतलब जिसको G77 कहा जाता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम लोग को इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो है उसकी डिमांड को फुलफ़िल करना है। तो उन्होंने नियो, ये जो सिस्टम था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, उसको उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो क्या कर रहे हैं, एक डेवलप्ड असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जिसके प्राइसेस जो हैं वो, मतलब इसका मेन मोटिव क्या था नियो का, वो कंट्रोल करेगा किसको, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कंट्रोल करेगा, जितनी भी डिवेलप्ड मतलब डेवलपमेंट के लिए जिस चीज़ों की हेल्प है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, एक प्रॉपर प्राइसेस जो है फिक्स रेट होगा प्राइसेस का रॉ मटेरियल्स के लिए, बेटर एसेस मिलेगा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को, जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे डेवलपिंग मतलब कंट्रीज़ के जो मार्केट होंगे उनको एक बेटर प्राइस जो है वो मिलेगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।